वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हूँ वैभवी और आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड कुल्फी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, ये मेरी मम्मी का प्यारा सा किचन है और ये वाली किचन में मैं बनाने वाली हूँ होममेड कुल्फी। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अभी 2 ग्लास दूध ले लिया है और कढ़ाई भी ले ली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने अभी कढ़ाई को जला दिया है। सो ये 2 ग्लास दूध मैं इसमें डाल दूँ। सो गाइस, जब तक ये मोटा मतलब गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसको चलाएंगे। सो गाइस, ये है शुगर पाउडर, ये 1 चम्मच में इसमें डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, तब तक ये हो रहा है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स काट के रख लेती हूँ। सो गाइस, अभी ये उबल रहा है, इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे। सो हम ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। उसके मैंने ले लिया है काजू, बादाम और इलायची। सो गाइस, मैंने ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में ले लिया है, बादाम, काजू और इलायची। सो हम इसको कट करेंगे। सो गाइस, जब तक कि मैं ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं तो हम इसको भी देख लेंगे थोड़ा। सो मैंने ये बादाम काट लिया, अब मैं काजू कटूंगी। सो गाइस, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, 5 मिनट और करेंगे। सो गाइस, इस चीज़ का खास ध्यान दें कि आपको चलाते ही रहना, रुकना नहीं है, नहीं तो आपका दूध फट जाएगा। सो गाइस, ये थोड़ा थोड़ा येलो हो रहा है, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। सो गाइस, मैंने ना ड्राई फ्रूट्स कट कर लिया है। सो अब हम धूप को देखेंगे। आप देख सकते हैं दूध कितना सारा था, अब ये चूरने में कितना कम हो गया है। सो गाइस, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किया है उसको मैं दूध में डाल दूंगी। सो गाइस, ये जो इलायची है इसको हम एंड में डालेंगे। सो गाइस, अभी गाढ़ा हो गया है। सो गाइस, सो गाइस, मैंने यहाँ पे केसर ले लिया है और इसमें हम डालेंगे। मैंने इसमें केसर डाल दिया है, अब हम इसको चलाएंगे। सो गाइस, मैंने कुल्फी के लिए ये ले लिया है 2, अब इसमें हम वो रबड़ी डाल के इसको फ्रीजर में फ्रीज कर लेंगे। सो गाइस, ये एक आइसक्रीम आई थी तो मैंने सोचा मैं इसी में डाल के मेरी कुल्फी बना लूँ। तो ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, तो आप मतलब कि छोटी ग्लासेस से भी बना सकते हैं, मैंने ये लिया है। सो गाइस, ये अभी हो गया है रेडी, मैंने इसको ठंडे करने के लिए इसमें रखा है। सो गाइस, मैंने अभी इसमें इलायची डाल दिया है, अभी ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इन कप्स में इसको भर दूंगी। सो गाइस, मैंने अभी यहाँ नारियल का पिस्ता ले लिया है। सो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, इसमें भी डाल दूंगी। सो इन दोनों में मैंने डाल दिया है। सो गाइस, मैंने इसमें दो दो इलायची डाल दी है, थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा। सो गाइस, ये अभी ठंडा हो गया है, मैं इसमें छोटे वाले कप में डाल दूंगी। सो गाइस, अब मैंने इसमें रबड़ी डाल दी है, अब इसके ऊपर से हम फिर ये कोकोनट की वो डालेंगे। सो गाइस, मेरे पास स्टिक नहीं थे आइसक्रीम के तो मैंने इस पे स्पून लगा दिया है। आपके पास हो तो आप लगा भी सकते हो, नहीं तो आप स्पून भी लगा सकते हो। अब मैं इसको फ्रीजर में डाल के इसको फ्रीज कर लूँगी।
गाइस ये मेरा फ्रीजर, बहुत बर्फ जम गई है इसमें। अब मैं इसको डाल दूंगी, मेरे ख्याल से नहीं आएगा शायद। सो गाइस इसमें ये दोनों जा चुके हैं, बड़ी मुश्किल से गए हैं। देख सकते हैं मेरी कुल्फी रेडी हो गई है। अब मैं इसको पानी में डाल के पिघला के फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसी है। सो गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कुल्फी बनी है, और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लग रही है। सो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, और आपको मेरा दूसरा वीडियो जल्दी मिलेगा। तब तक के टाटा बाय बाय, सी यू।